झुका की तरह बदले की बाजार में। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मी ज्योति। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी काफ़ी इजी पीजी सा वायरल वाला लुक जो है आलिया भट्ट का सॉन्ग झुमका गिरा। तो वो सॉन्ग में जो लुक क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल लाइट स्मोकी विथ न्यूट लिप, वो वाला मैं लुक शेयर करूँगी जिसके आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और सब जन कर रहे हैं, तो मैं भी करना चाहती थी तो इसलिए मैं भी कर रही हूँ। वो वाला लुक मैं क्रिएट करूँगी, वो भी बहुत ही कम प्रोडक्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ निया डे जेल क्रीम विद SPF 50। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पहले मॉइस्चराइज़र तो ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है या नॉर्मल जो ड्राई स्किन में यूज़ कर सकते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये ऑयली टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे प्राइमर और मैं यूज़ कर रही हूँ एनवे वे का प्राइमर जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। प्राइमर के बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और आज मैं अफोर्डेबल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये है ब्लू हेवन का मेकअप स्टिक सिल्क मैट है, ये HD लुक देता है ऑल इन वन, यानी कि ये कंसीलर, कंटूरिंग, करेक्टर और फाउंडेशन के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे मैं फाउंडेशन एंड कंसीलर के तरीके से यूज़ करूँगी। मेरा जो शेड है वो मीडियम हनी है, इसका प्राइस है 130 रुपीज़ में, आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा ये। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पे और काफ़ी अच्छा है गाइस, आपको 100 रुपीज़ में मैंने लिया था तो 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, आप देख सकते हो कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। और इसे आप फाउंडेशन, कंसीलर, डार्क कलर लोगे तो कंटूरिंग के लिए और करेक्टर के लिए या किसी के लिए यूज़ कर सकते हो, इसीलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका कवरेज भी अच्छा है। मैंने अच्छे से भर दिया है पूरे फेस पे। अब मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी। देख रहे हो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है गाइस, 100 रुपीज़ में इतना अच्छा फाउंडेशन, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। जब से मैंने ये लिया है मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला फाउंडेशन। सो देख रहे हो स्किन काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। मेरा नेक ना बहुत ही काला हो गया है प्रेगनेंसी के लिए, हर किसी को होता है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया नेक, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, अब मैं इसे ही कंसीलर के तरीके से भी अप्लाई करूँगी। और हाँ गाइस, मैंने यहाँ पे काफ़ी नेचुरल सा एक ब्राउन कलर का लेंस भी वेयर किया है जो कि एक्वा क्योर का है, एक्वा कलर का लेंस है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला सीरी का कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ इस तरीके का है। इसमें मेरा जो शेड है वो ट्रू कैरेमाइन एंड इसका प्राइस है 250 रुपीज़, ये भी आपको डिस्काउंट में मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लश ऑन और थोड़ा सा ब्राउजर करूँगी। ये एक्चुअली है तो ब्लश, ये दोनों ही शेड ब्लश का है लेकिन मैं इसे कभी कभार कंट्रोल कर लेती हूँ एंड ये SFR कलर का है, इससे काफ़ी अच्छा एक कंट्रोलिंग लुक भी रहता है तो इसीलिए मैं ये ही यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये वाला कलर का ब्लश यूज कर रही हूँ। यहाँ
यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का काजल यूज़ कर रही हूँ, तो इसी से ही मैं आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। पहले मैं वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी अपर एंड लोअर लैश लाइन पे। मैंने काजल को ब्लेंड कर लिया है, अब मैं इसके ऊपर एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंड करूंगी और मैं अप्लाई करूंगी ब्राउन कलर का आई शैडो। सो आईब्रो को फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ATS का ये वाला आईब्रो पाउडर। तो इसी पाउडर से ही मैंने ऊपर में ब्राउन कलर भी अप्लाई किया था। ये वाला पाउडर से मैं आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ। सो अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और ये हाइलाइटर वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर है। आई थिंक ये 350 रुपीज में आपको मिल जाएगा। मैं बस यहाँ पर सिर्फ लगा रही हूँ हाइलाइटर, यहाँ पे चिक एप्पल चिक्स पे नहीं लगा रही हूँ। एंड मैं यहाँ पे ब्रिज ऑफ दी नोज अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं क्यूपिड्स में भी थोड़ा यहाँ पर। वैसे तो फोटो में उतना क्लियरली पता नहीं चलता है इन अपॉनर पर अप्लाई किया नहीं या नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी अप्लाई कर रही हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ न्यूड कलर का लिपस्टिक। उससे पहले थोड़ा सा लिप लाइनर। सो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का इंटेंस मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा जो शेड है वो सैंडी बीच 312 है और ये बहुत ही अच्छा वाला एक न्यूड शेड है। क्या मैं दो लगाऊँ क्या नोजरी? अभी ये मैं ओपन करूँगी तो फिर डाल देंगे टाइम में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, तो इसीलिए मैं दोनों ही वेयर कर लेती हूँ। मैं ऐसे दिखती ठीक है, अभी मैं ऐसे लग रही हूँ। सो ये ओपन करने में क्या करूँ, ओपन करूँ अच्छा नहीं लग रहा है सर। दो निकालने में तो कोई बात नहीं, अभी डालने के टाइम इतना दर्द होगा ना। ये ग्रीन कलर का बिंदी है, इसे ब्लैक ही दिख रहा है। मैं इसके ऊपर काजल अप्लाई करूँगी। ओके गाइस, तो ये भी हो गया, मैं बालों को कुछ भी नहीं करूँगी। हाँ तो मैंने ये झुमका डिसाइड किया लगाने के लिए, तो ये मैं लगा रही हूँ। लुक और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो गाइस, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड प्रोडक्ट का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस तरीके का लुक काफ़ी वर्सेटाइल होता है, आप किसी भी ड्रेस के ऊपर कर सकते हो, चाहे वो वेस्टर्न हो या एथनिक वेयर हो, आप किसी में भी वेयर कर सकते हो। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे ऊपर कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताना। तो बस इतना ही आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।